यूक्रेन और रूस के हमले के बाद से ही अमेरिका के साथ साथ कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस बीच स्विफ्ट से रूस के कई बैंकों को प्रतिबंधित किए जाने की खबर है, लेकिन इसके मायने क्या है, आखिर क्या है ये स्विफ्ट? स्विफ्ट का मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक मैसेजिंग नेटवर्क की तरह काम करता है। इसके जरिए दो देशों के बीच ट्रांजैक्शन होता है। इस बैंकिंग सर्विस के उपयोग से हर साल खरबों डॉलर का ट्रांजैक्शन होता है। जब इस नेटवर्क की शुरुआत की गई थी तब 250 बैंक इससे जुड़े हुए थे, लेकिन आज लगभग 11,000 से ज्यादा बैंक और संस्थान इससे जुड़े हुए हैं। रूस इससे बाहर होता है तो ये उसके लिए एक बड़ा झटका होगा। ये बाकी देशों से लेन देन नहीं कर सकेगा। जैसे अगर रूस ने किसी देश से गैस खरीदी तो आमतौर पर स्विफ्ट के जरिए वो पेमेंट करता है। अगर वो सिस्टम से कट गया तो रूस ये पेमेंट नहीं ले पाएगा। इसका असर भारत पर भी होगा। रूस पर इस प्रतिबंध के बाद से उसे दूसरे देशों में तेल बेचने पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तेल और गैस से रूस को विदेश से कुल 40% निवेश प्राप्त होता है। इस प्रतिबंध से रूस को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। रूस को दूसरे देशों के साथ तेल और गैस बेचने में दिक्कत होगी, जिसका सीधा असर तेल और गैस की कीमतों पर होगा। लिहाजा भारत में भी पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम पर इसका असर देखने को मिल सकता है। इसका असर सोशल मीडिया पर भी दिख सकता है। रूसी न्यूज चैनलों के सोशल मीडिया पर मोनेटाइजेशन पर भी प्रतिबंध लग गया है। यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर ने भी रूसी मीडिया पर और चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन चैनलों के वीडियो के द्वारा सोशल मीडिया पर होने वाली कमाई जो कि रूसी बैंकों में जमा होती थी उस पर भी रोक लगा दी गई है। इंटरनेट के जरिए कई प्लेटफॉर्म से लोग पैसों की कमाई करते हैं, लेकिन स्विफ्ट प्रतिबंध के बाद इस कमाई पर भी रोक लग जाएगी। 2014 में भी पश्चिमी देशों ने रूस को स्विफ्ट से बाहर करने की धमकी दी थी जब उसने क्रीमिया पर कब्जा किया था।